हाय, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली फिल्म्स। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज यहाँ आके, यू नो, मीठा बाय रेडिसन। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी जब शेफ़ ने बोला कि हमारे पास अब हर ओकेजन के लिए एक बॉक्स है। सो आई वॉज कैन आई यूज़ दिस, सो लाइक ही सेड फॉर एवरी ओकेजन दे हैव सच बॉक्सेज। और मुझे दिखाई दे रहा है कि हर अलग अलग शेप, साइज और बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग में जो है ये बॉक्सेस अवेलेबल हैं। सो यू नो, स्लोली हमारा जो पूरा ये गिफ्टिंग का प्रोसेस है ये चॉकलेट्स में शिफ्ट हो गया था। नो ऑफेंस, चॉकलेट्स भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल मीठा होता है हर त्यौहार, आई थिंक उसके बिना थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि अब ये एक प्रोविजन भी है कि हम हर त्यौहार में, हर ओकेजन के लिए इस तरह से मीठा दे पाएंगे। सो या, इट्स नाइस। आप मीठा खाना कितना पसंद करते हैं, या फिर आपकी फैमिली में कितना सब पसंद करते हैं? बहुत बहुत, हम सब बहुत बड़े फूडीज़ हैं जो हमें ब्लॉग्स में फॉलो करते हैं, आई एम श्योर वो जानते होंगे। मैं भी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट इट्स जस्ट दैट एक लिमिट में खाना चाहिए। मैं आपको भी बोलूँगी कि जैसे मैंने बाहर भी बोला कि मिठास होना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में, आपके खाने में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। सो ज़रूर मीठा इन्जॉय करें, और एक साथ ज़्यादा ना इन्जॉय करें ताकि फिर ब्रेक लग जाए। सो या, आई लव स्वीट्स। जिस तरह से आपके जो फैंस हैं, ब्लॉग फॉलो करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप खाना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर बनाना ज़्यादा पसंद? दोनों। मैं मेरा एक्चुअली नेचर ये है, मैं अच्छा खासा पकाऊंगी, मैं बहुत प्यार से खिलाना बहुत पसंद करती हूँ। और फिर जब सब खा चुके होते हैं ना, तो मैं लास्ट में आराम से बैठ के कभी कढ़ाई से ही शुरू हो जाती हूँ। वैसा है मेरा। क्या कुछ खाना पसंद करते हैं आपके हाथों का? बहुत कुछ एक्चुअली, उनको स्टार्टिंग फ्रॉम द चाय दैट ही एवरी डे, जो अगर किसी दिन गड़बड़ बनती है तो आज तुम्हारी वैसी वाली चाय नहीं बनी, तो वो तुरंत बोल देते हैं। तो देन अचारी मटन उनका बहुत फेवरेट है, जर्दा उनका बहुत फेवरेट है, जो मीठे चावल हम लोग बनाते हैं वो, एंड और चिकन कोरमा अच्छा लगता है उनको, और दाल बाटी उनको बहुत पसंद है जो मैं बनाती हूँ। सो या, फिटनेस को लेकर भी आप बहुत सारे वीडियोस बनाती हैं, किस तरह से फिट रखने के लिए आपको खुद एक्सरसाइज करना क्या कुछ पसंद आता है? देखिए, मुझे ना एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वॉक बहुत खुशी से करती हूँ, लेकिन मेरे जो पति हैं घर पे, वो मेक श्योर करते हैं कि मैं साल में एक हफ्ता ही सही में जाऊँ जिम। नो, सो ही इज़ बिहाइंड मी कि नहीं दिप्पी फिट रहना है, नहीं दिप्पी फिट रहना है। सो या, चलती रहती है गाड़ी ऐसे। जिस तरह से ऑडियंस आपको ट्रोल किए और आप पे सवाल किए, आपकी फैमिली पे सवाल किए, और आपने जिस तरह से जवाब दिया, वो भी ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है जो आपको, आई थिंक इट्स जस्ट अ नॉर्मल रिएक्शन। मतलब मैं अगर किसी नॉर्मल में किसी को ऑफ कैमरा भी अगर उनकी फैमिली के बारे में कुछ बोल दूंगी, तो वो डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे। इट्स अ वेरी नॉर्मल रिएक्शन। तो यू नो, क्या हो जाता है कि क्योंकि हम एक्टर्स हैं और क्योंकि हम नोन फेस हैं और क्योंकि लोगों के पास एक मीडियम है हमारे बारे में बात करने का, तो इट बिकम्स वेरी इजी, वी आर इजी टारगेट। एंड नॉट ओनली मी, ऑल द सेलेब्स, हर कोई ये फेस करता है। बहुत ईजी हो जाता है लोगों को जज करना, क्योंकि एक मीडियम है आपके पास। तो ठीक है, अब हमें बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम हैं, हमारा ये प्रोफेशन है, हम आपके सामने हैं। बट पेरेंट्स, आई थिंक किसी के भी पेरेंट्स के बारे में बोलने से पहले एक सोचना समझना ज़रूरी है, और अगर आप में वो सोच समझ नहीं है तो थोड़ा जवाब देना हमारी तरफ से भी ज़रूरी हो जाता है, टू शो द लिमिट्स की बस बस हो गया। जिस तरह से आपके फैंस आपके स्टैंड को पसंद करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से आप जवाब देती हैं वो भी पसंद करते हैं, आपसे जानना चाहूँगी कि फैंस के लिए क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ला रही हैं या फिर क्या कुछ आप बता? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक ये तो हम बात कर रहे हैं उनकी जो लिमिट्स क्रॉस करते हैं, लेकिन ज़्यादा फैंस वो हैं जो हर सिचुएशन में सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए जितना हम हमेशा थैंक यू बोलते हैं। और मैं बोलना चाहूँगी, बिकॉज एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है जब आप लोग इतना स्ट्रांगली हमारे साथ खड़े हो, एंड सो मतलब उनके लिए तो एक हमेशा एक वो ग्रेटफुल, एक ग्रैटिट्यूड हमेशा रहता है। एंड हाँ, अब तो यूट्यूब से क्या हो गया ना कि जो भी प्लानिंग होती है वो सबसे पहले पता चलती है, तो एज ऑफ नाउ कुछ है नहीं, बट अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली बहुत जल्द आप लोगों को पता चलेगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।